हाय गाइस वेलकम टू सीजलिंग टी तो जैसे मैंने बोला था मैं इसके फोर सीजन वाले सभा के फोर सीजन होटल में जो गई थी उसके लिए सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगी तो ये पॉडकास्ट उस उस पार्ट के लिए है तो ये जब ओबर मॉल जाते हैं उस दिन लास्ट ब्लॉग में तो वहाँ जहाँ पे इन्हें दीपिका मिल जाती है तो वहाँ पे उससे निकलने के बाद ये कहते हैं अब हमें लगी है भूख अब हम खाएंगे खाना तो पहली बात तो ये जो मीरा रोड से ओबेरा मॉल जाते हैं ना ये करीब आधा घंटे वाला काम है पंद्रह किलोमीटर दूर है ये मीरा रोड से इनका ओबेरा मॉल जो ये हर रोज चले जाते हैं और मुंबई में ना इतना ट्रैफिक होता है कि कई बार आधा घंटा आधा घंटा नहीं होता ज्यादा भी लगता है और पता नहीं लेकिन रोज क्यों चले जाते हैं क्योंकि कुछ है नहीं ना घर में करने को काम तो बेटी खाला करेगी और इसके पास कुछ है ही नहीं इससे तो एक वो जो बॉक्स होता है ना अनबॉक्स भी नहीं करा जाता जो फ्री के गिफ्ट मिलते हैं इसको इसके लिए वो भी बहुत काम है उसमें भी दो बार चक्कू मारने में मैं थक गई मुझे सांस चढ़ गया मैं क्या करू फ्रेंड्स ऐसे करती है और फिर पीछे से सनी खोल रहा होता है सारे डब्बे अब्बे तो और जो दो चार बार चम्मच हलवे के चला देती है उसमें बोलते है अरे बेटी खाला सनी को तो आपके हाथ का हलवा खाना था मैं कह रही थी आपके हाथ का खा ले लेकिन सनी कहता नहीं मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा तो एनी तो ये उस मॉल से निकल के बोलते हैं कि हमें खाना खाना है तो भैया इन्हें खाना खाना है सीधे साधे लोग हैं इनको अभी अचानक से पैसा आ गया है तो फैंसी बनने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन भैया खुद की हालत भी तो देख लो तुम हो क्या और क्या कैसे तुम एडजस्ट हो गए उसमें घुसना सब जगह लेकिन तुम्हारे हैसियत नहीं है जस्ट पैसा आ गया इससे मतलब ये नहीं कि तुम्हारी क्लास आ गई है मनी नेवर बाइस क्लास ओके तो वहां पे बैठ के कार में डिस्कस करते हैं कि कहाँ जाना है तो रेहान बोलता है कि नया होटल खुला है फोर सीजन वहां चलते हैं वर्ली में और रेहान को भी देखो वो अलग चौड़ा हो रहा है रिहान तो सत्रह साल का बच्चा है और पढ़ाई लिखाई में तो राम जाने वो करता क्या है कोई उसके बारे में पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करता है सो रहा है जिम जा रहा है डांस क्लासेस जा रहा है या फिर इधर से उधर बैठा फोन पे इधर उधर बैठा फोन पे स्क्रॉल करता दिखता है वो रील्स पे रील्स देखता होगा कुछ मुझे मैंने उसको किताबें लेके पढ़ते हुए नहीं देखा है तो ना उसके बारे में कोई बात करता कि कितनी पढ़ाई कर रही है क्या ग्रेड आ रहा है क्या परसेंटेज आ रहे हैं होमवर्क करा नहीं करा उसके बारे में कोई बात नहीं होती है इनके पूरे परिवार में तो इन्होंने सोच ही रखा रेहान तो हीरो बनेगा नेक्स्ट तो जैसे होता है ना जनाब टू पॉइंट जीरो तो ये थ्री पॉइंट जीरो तो एनी वेज तो वहां पे डिस्कस कर रहे थे तो रेहान को जाना है वर्ली वाले फोर सीजन में मैंने कहा जब मैंने नाम सुना फोर सीजन वाले कहा तो डब्बा तो डब्बा है कहती है पता नहीं कौन सी जगह कोई अच्छी होगी हाँ जाना चाहिए सब चीज ट्राई करनी चाहिए चलो हाँ चलते हैं वो एक्साइटेड रहती है वो भले हिजाबी बनने का नाटक करे उसको सब चीजें ट्राई करनी है भैया उसको मतलब फैंसी फैंसी चीजों में जाना अलग अलग मतलब चीजें करना जैसे होते ना मॉडर्न लड़कियां जो करती है वो सब करने का मन रहता है ऐसा नहीं की मन से भी हिजाबी है वो सिर्फ वो ड्रामा था वरना जो इस टाइप की चीजें होती है ना वो वो लोग कंट्रोल करते कि नहीं हमें ऐसी जगह नहीं जाना है तो एक कार में बैठ के वहां चल पड़ते हैं फोर में एंट्री मारते हैं अब आप ये देखना है, ये देखना पिक्चर लगाती हूं, यहां इसको कोई भाव नहीं दे रहा है चुन्नी ठीक करते हुए ऐसे घबराहट वाले उसमें जाते हैं कि इन्हें पता है जब ये ऐसे किसी फैंसी जगह जाते है ना तो ये बहुत डर जाते हैं सहम, सहम जाते हैं सनी नॉर्मल चलता है मैंने सनी की बॉडी लैंग्वेज देखी है वो फिर भी नॉर्मल चलता है बंदा है इधर उधर तो घूमता फिरता रहता होगा तो इसने लगता है कि हम मीन ही जहां भी जाना है जो भी है बट ये सबसे फटी बड़ी रहती है ऑन करके तो मैं बकर 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 कर लेती हूँ लेकिन आ, सामने से किसी ने बोला तो फिर मेरा क्या होएगा तब तो मेरे को आंसर करना भी नहीं आता तो मैं बोलती हाँ थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके तो बहुत अच्छा मेरा ब्लॉग देखने का यही बातें करनी आती है तो यहाँ बॉडी लैंग्वेज देखना है इसकी ये, ये देखिए जा रहे हैं जहाँ वगैरह करते हैं अपनी देखते हैं इनको। क्लासी जो लोग है, वो तो इन्हें पहचानते भी नहीं है उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं अगर उन्हें पता भी होगा कोई ब्लॉगर है तो भी नहीं देखेंगे उन्हें देख के हालत पता चल जाएगी क्या है देखिये मैं कोई कम्युनिटी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ मैं इसकी हालत पे टारगेट कर रही हूँ तो अब ये वहां से जाते हैं और उसके बाद इसकी अम्मी डरी हुई है और उसकी अम्मी को पता है फालती फंड के आवारा गर्दी कर करेगी और इसकी अम्मी को बेचारी को भूख लग रही थी क्योंकि देखो ओबे मॉल में गए थे दोपहर में और अब हो गई थी बहुत रात तो इसकी अम्मी कहते है चलो यहाँ से चलते हैं खाना खाते हैं कहीं अच्छी जगह कहाँ जाना है क्यों जाना है और ये नहीं अम्मी सनी पता करके आता है थर्टी थर्ड फ्लोर पे बार है अब देखिए बार है बार का मतलब इसको पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो महागंवर है बार अन या सनी को तो पता ही होगा तो सनी ने कहा ऊपर बार है इसकी माँ को पता नहीं पता था ये बिहाइंड द कैमरा बता दिया गया है तो बार तो सबको पता है वहाँ ड्रिंक्स मिलती है कॉकटेल्स मिलती है और वहाँ पे अल्कोहल बेसिकली अल्कोहल सर्व होती है और वहाँ पे अः मैं देख रही थी उनकी वेबसाइट पर ट्वेंटी वन ईयर से ओवर ही अलाउड होते हैं अब रेहान को जो लेके गए वो रेहान नीचे ही रखा होगा उन्होंने अब रेहान को कैसे ले गए देखो बाहर की कंट्रीज में ना क्या होता है कि उस एरिया में भी जाने नहीं देंगे मोस्टली लेकिन इंडिया में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होंगे तो वहां पे गए और पहले ये ड्रामा चल रहा था अरे वो ना चप्पल में था तो चप्पल में अलाउड नहीं है कोई उसमें ये होता है यू आर नॉट सपोज टू वॉक इन विन स्विम सूट या फिर स्लीपर्स uh, जो होते हैं ना बिजनेस कैजुअल बोलते हैं या फॉर्मल्स बोलते हैं उनमें अलाउड होता है बट इसका मतलब ये नहीं कि चप्पल में अलाउड ही नहीं करेंगे भाई, वो कोई भी चला जाए मम्मी कोई भी हो वो चप्पल में भाई शाहरुख खान सलमान खान जाएंगे ना वो सलाम ठोक के उनको अलाउ करेंगे उनके पीछे पीछे जाएंगे ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं वो आपकी हरकत और आपके औकात उन्होंने मना कर दिया कि भैया ये पता नहीं कहां से आगे और और गेस्ट भी अनकंफर्टेबल होंगे जो देखेंगे दुपट्टा उपट्टा डाल के यार दो आंटिया घूम रही है मोटी मोटी और ऐसे एक बखलाये वैसे घूम रहे हैं तो बाकी लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो इसको बोला होगा कि भैया तुम अलाउड नहीं हो तुम घर जाओ वापस तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है ये लेकिन फिर वो पता नहीं सौरभ जूते वोते चेंज करके आया जो भी अलाउ कर दिया इन्हें फिर ऊपर जा रहे हैं अम्मी कह रही है रहने दो ना हमें नहीं जाना है क्यों जाना है क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो या खाना खिलाओ ये नहीं नहीं देखते हैं देखते हैं इसको चुल थी पूरी ये देखते हैं भैया बार में मुझे एंट्री मैंने तो कभी देखा ही नहीं पिक्चरों में देखा है कितने अच्छे लोग होते हैं छोटे कपड़े पहन रहे होंगे लड़कियां ड्रिंक्स कर रही होंगी लड़के ड्रिंक्स कर रहे होंगे आपस में कोजी माहौल होगा स्मोक कर रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा होगा मेरे को भी देखना है मेरे को भी करना है तो सनी के पीछे पड़ी होगी मुझे भी करना है सनी वाला नहीं तो कर नहीं सकती भैंड कैमरा करा दूंगा तो अभी रुक जा रहे थे ये सब तेरे जो अः वैसे भी साढ़े तीन मिलियन में से डेढ़ मिलियन ही देखते हैं तो जी अभी वो भी भाग जाएंगे क्योंकि अभी तू रहने दे वैसे भी हिजाब तो ठीक से करती नहीं बाकी ये दरू रहने दे तो फिर उसने लेकिन ये ऐसा नहीं कि नहीं गई हो गई ऊपर तक और फिर रेहान और सनी ऊपर जाके देख के आते हैं फिर उससे पूछते कैसा है हमारे मतलब का है कि नहीं भैया तेरे मतलब का है क्या क्या मतलब तू तो मैं क्या बोलूं यहाँ पे बोल नहीं सकती तो एनीवेज वेज यहाँ से फिर ये ऊपर जाती है देखने वहां पे जाके शूट कर लेते हैं पूरा अब आप मुझे बताइए कि ये हिजाबी लड़की है ये बार में क्या करने गई थी अब आप जो भी इसके फैंस है ना सो कॉल्ड फैंस सपोर्टर्स अंधभक्त वो बताइए आप हिजाबी हैं वैसे भी मुस्लिम ड्रिंक नहीं करते हैं तो ये बार में देखने क्या गई थी इतनी क्या खुजली है इसे मूवीज़ में तो देखा ही होगा में होता क्या है लेकिन ये ऊपर ट्राई करनी है एक आध पैक तो और लेकिन जो बात है मेन मुद्दे की ये है कि हिजाबी होकर अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने दैट इज फाइन ओके यू कैन डू इट बट आप एक अपने आप वो सेल्फ क्लेम्ड हिजाबी हैं आप वो हिजाबी लड़की कितनी हिजाबी लड़कियां मुझे बताइए जो आप बार बार में जाती हैं इंडिया में इंडिया की बात कर रहे हैं बाहर की बात नहीं कर रहे हैं तो आप बताइए कि फिर क्या आप बार में जाती हैं इंडिया वाली लड़कियां और जाती हैं तो फिर क्या आप हिजाब लेके जाती हैं आप ट्रू हिजाब ही है या आपके हिजाब रख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप जा सकती हैं प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना जो लोग मेरे अगेंस्ट लिखते हैं उनसे पूछ रही हूँ स्पेशली कि हिजाब वाली लड़कियां बार में क्या करने जाती हैं या तो दुपट्टा और पट्टा जो भी लगाती है हिजाब तो लगाती नहीं है दुपट्टा लगाती है वो भी दो तीन इंच का कपड़ा ल, डालती है चुन्नी आधे टाइम सरकती रहती है वो भी हटा दीजिए और फिर आप आराम से जाइए जीन्स जीन वींस पहने जैसे पहले पहनती थी यूट्यूब का ड्रामा जो कर रखा है ना अपने यूट्यूब के ऊपर हम तो भैया बहुत बैकवर्ड वाले लोग हैं हम तो सब ऐसे पहनते हैं तो वो सब बंद कर दीजिए और शराफत से आप घूमिए फिर ये कोई नहीं टोकेगा आपको लेकिन जो डोगला है ना इस वजह से आपके अगेंस्ट वीडियोस बनते हैं जो ये ओवर स्मार्टनेस है ना जो आपकी इस वजह से हम लोग आपके लिए बनाते हैं आपके अगेंस्ट आपको एक्सपोज करने के हमें पड़ी नहीं है हमारा फालतू तो इतना भी टाइम नहीं है लाइफ में कि बैठ के आपके ऐसे घटिया उल्टे सीधे ब्लॉग देख के फिर उसके ऊपर हम चर्चा करें सिर्फ ये हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं ना आप पैसा कमाने के लिए भोले वाले शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं उस पे दिखा रहे हैं पहली बात तो हिजाब जो लेते हैं ना वैसे गला वाला नहीं खुला रखते हाथ इतने ज्यादा खुले नहीं रखते हैं खैर तो आगे चलते हैं

और बैठ गए थोड़ी बहुत मुंडी हिलाई उसके बाद नीचे आ रहे हैं उसके बाद कहती है अम्मी मेरे को ना वहां पे ये कह रहा है कि हम बुर्ज खलीफा जाएंगे मैं आ, एरोप्लेन से जंप भी करूंगा भाई वो एरोप्लेन से जंप मतलब ऐसा नहीं होता उसको स्काई डाइविंग बोलते हैं तो या तो वर्ड सीख ले मत बोल करूंगा अम्मी के, नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना मैं बेटा ऐसा नहीं करना तुम पागल हो सालू, सालू तुम पागल हो देखती अम्मी भी बेचारी सारे टाइम मुंह पे कैमरा लगा के रखते क्या बोलूं फिर उसको रेस्ट रूम में डांट के आई वहां जाके कहती अम्मी बाथरूम में बहुत गुस्सा हो रही थी तुम एरोप्लेन से जंप नहीं करोगे अम्मी करने दो सब चीजें ट्राई करनी चाहिए तो बेटा सबसे पहले तू ट्राई कर ले तू कूद पहले एरोप्लेन से उसके बाद दूसरों को कूदा तु, 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 तो तो तू तू सही पहले भी ट्राई तेरा बाकी चीजें ट्राई करने का तो बहुत मन करता है तेरे को नहाने धोने का वो सब रिकॉर्डिंग करने का ही बहुत मन करता है और जो पहले के तो जो टिकटॉक के वीडियो बनाती थी वो भी बहुत तेरे बहुत अच्छे खासे पता नहीं क्या क्या बनाती थी तो इसका मन खुद की चोला है फिर वहां से नीचे आते हैं फिर नीचे वाले रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते है तो थर्टी थर्थ थर्थ फ्लोर पे गए हो? और ये फोर सीजन जो रेस्टोरेंट है ना मतलब होटल है होटल एंड रेस्टोरेंट एंड बार इसके बारे में बता देती हूँ जिनको नहीं पता वो एक फाइव स्टार लग्जरी होटल है ठीक है फाइव स्टार लग्जरी होटल जनरली मतलब एक काफी क्लासी लोगों को टारगेट करते हैं उनमें जो अम्यूनिटीज होती है जो फैसिलिटीज होती है जो डाइनिंग होती है जो बार्स होते हैं इसमें हाई क्लास लोग आते हैं और देखा आपने जैसे कि किसी ने पलट के भी नहीं देखा इन्हें तो वहाँ पे जैसे बिजनेस वाले लोग आते हैं जो ऑफिशियल मीटिंग्स करनी है या किसी को बॉम्बे टूरिस्ट आया है वो रुकेंगे क्योंकि उसका एक एक रूम के किराए ना मतलब आप ये देख लीजिए कितना कन्वर्ट करके बताऊ मैं अः बीस हजार डॉल बीस हजार रुपए जितना होता होगा बीस हजार पंद्रह हजार रुपए मिनिमम से मिनिमम इनके रूम होते हैं एक रात के और जो इनका खाना भी एक्सपेंसिव होगा इनके ड्रिंक्स भी मतलब सात सौ आठ सौ हजार रुपए की एक ड्रिंक होगी इनकी अगर ऊपर चले गए तो और जो भी एपर्टाइजर वहां रखेंगे पहली बात तो ये इनको उसमें भी रो रही थी हमें सोलह सो रुपए की थी सात सौ रुपए का ये था भैया फाइव स्टार होटल में जाओगे यही रेट मिलेगा तो यहाँ पे भी तुम लोग भूखे प्यासे टेबल पर बैठ के जस्ट एक शूट करके आ गए तो मतलब इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा कॉन्टेंट के लिए डेस्परेट हुए पड़े हो कि कहीं भी बड़ी से बड़ी जगह घुस जाना है और तुम्हारी चाहे फटी पड़े हो वहां जाके शूट कर लेते हो जबरदस्ती और वो अलाउ करे या ना करे बस चुपके से शूट कर लेते हो निकल लेते हो वहां से और फिर अगर तुम्हें था दम वहां बैठ के खाते क्योंकि अलाउड तो था बैठना मंगाते तुम खाना बिंदास लाता तुम्हारा बिल पचास साठ का क्योंकि चार पांच जने थे तुम लोग तो पांच जने थे और ड्राइवर भी शायद होगा कोई छह जने तो छह जने या पांच जने अगर खाओगे तो आराम से आ जाएगा बिल तुम्हारा खाओगे पियोगे ड्रिंक्स और उसके बाद डेजर्ट खाओगे तो आता फिर तुम्हारे पता चल जाता अरे ये तो मेरा वन थर्ड ब्लॉक का मेरा पूरा पैसा निकल गया मैं तो डेढ़ लाख कमाती है एक ब्लॉक से पचास हजार खाने में निकल गया नहीं नहीं सनी हमें इतना पैसा नहीं लगाना है हमें सिर्फ शूट करना है पैसा तो हम बचाएंगे तो ये भूखे पेट ही वहां से निकल आया फिर किसी नॉर्मल सी जगह बैठ के खा रहे थे और फिर ये वापस आए ना इसकी अम्मी वाले ऐसा और सोचो

वो ऐसे बोलते हैं फिर फिर होता नहीं मैं सभा हूँ सभा मैं जमशेदपुर गई थी मेरे को इतने सारे लोग रेलवे स्टेशन मिलने आते थे एंड देवुड से आई डोंट नो व्हाट दिस गर्ल इज टॉकिंग अबाउट तो ऐसा रिएक्शन मिलता फिर उसकी माँ जो घर आई तब भी बोलती है आ, पता नहीं कैसे बोल रहे थे इंग्लिश ऐसे तो बोल रहे थे हमारे सर के ऊपर से निकल जाए थोड़ी बहुत तो समझ आ जाती है भैया तुम लेके क्यों कहीं हो और उसकी माँ एक्चुअली थोड़ी समझदार लग रही है मुझे कई बार वो खुद ही बोल रही है ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ अपना कोई काम नहीं हो क्योंकि इसकी माँ को पता चल गया था बार बार है, ड्रिंक कर रहे हैं लोग और इसको घूमना था बस तो उसकी माँ को लगा कि भैया मेरी बेटी वैसे ही बहुत भटकी हुई है कुछ ज्यादा ही ना भटक जाए ये पैसे के चक्कर में ये किसी को कुछ समझ ही नहीं रही है और इसका पति भी कुछ कहने लायक है नहीं इसको तो मेरी बेटी गलत रास्ते पे ना चली जाए अभी इसको बार में घूमने की आदत पड़ जाएगी उसके उसके बाद बार में बैठने की भी आदत पड़ जाएगी तो ये कुछ भी करने के लिए रेडी है तो थोड़ा सा समझ दे दूँ इसे कि बेटा ये सब हम लोग नहीं करते तो मत करा कर पैसे के चक्कर में कंटेंट के चक्कर में लेकिन इसने आ, कुछ नहीं इसको वहाँ पे जाना था और जिसने जा के आई तो मैं यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स लगाती हूं अब देखो आपको पता चलेगा कि आ, और हां ये एआर में गई थी जो रूफटॉप पे बार है आ, फोर सीजंस होटल्स में और वर्ली में आपको कभी जाना हो तो जाइए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा व्यू मिलेगा बहुत अच्छे मतलब अब अगर आपको कॉन्टिनेंटल खाने में इंटरेस्ट है एक्सपेंसिव होगा आई एम श्योर बट आई मीन जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस इट्स इट इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इफ यू कैन गो देर एंड लुक एट दिस पिक्चर्स दिस पिक्चर्स आई टुक फ्रॉम दियर ऑफिशियल वेबसाइट सो आई मीन आई कैन फिगर आउट दैट दिस बार एंड यहाँ पे देखिए लोकेशन कितनी अच्छी है और जो भी ओवरऑल एम्बियंस है वो बहुत अच्छा होगा रात के टाइम पे तो और भी अच्छा होगा तो यही कहना था उसके बाद ये जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने वो भी अच्छा ही रेस्टोरेंट था मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही लोकल था अः लेकिन वहां पे ये ड्रामा करती चॉपस्टिक से ये चॉपस्टिक से पापड़ उठाने की कोशिश कर रही होती है और सनी एकदम पक चुका होता है उसकी रिएक्शन उसके रिएक्शन साफ दिख रहे थे कि मतलब होते ना जो इनोसेंट बन के बेवकूफ बनना है इनोसेंट बनना है

चावल खाते हैं वो पापड़ रोटी हर एक चीज वो चॉपस्टिक से खाते हैं जो चॉपस्टिक से खाने वाले लोग हैं तो ये सब फालतू की बातें और फिर रिहान कर रहा था वही सब ड्रामे रिहान करेगा तो चल जाता है चलो बच्चा है वैसे इतना छोटा बच्चा भी नहीं है फिर भी चल जाता है उस पर सूट कर जाता है चल ठीक है वो ट्राई कर रहा है बैठा बैठा टीनेजर है बोर हो गया खाना आएगा तब तक मैं कुछ टाइम पास कर लू ये आंटी ट्राई करती है ना ये बहुत बहुत मतलब ओवर हो जाता है तो चलिए गाइस यही कहना था कि जो इस तरीके से वो अपना व्लॉग शूट करने के लिए इतनी दूर गए हैं जिस उन्हें पता था कि एक फाइव स्टार होटल खुला है चलो जाके देख के आते हैं शूटिंग भी फ्री की मिल जाएगी थोड़ा सा कंटेंट अच्छा मिल जाएगा और हम जाके देख के आते हैं और वहां डरे सहमे घबराए हुए घूम रहे थे जिन्हें जिसमें इन्हें किसी ने भाव नहीं दिया किसी ने दो पैसे की इज्जत नहीं दी पलट के नहीं देखा बल्कि इन्हें मना ही कर दिया पहले ही कि भैया तुम जाओ निकलो यहाँ से तुम क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना और हमारा और फिर वहां पे तभी भी ये हिले नहीं तभी भी गए ऊपर तक देख के फ्री फंड में शूट ऊपर से रेहान ने कह भी दिया कि हम तो फ्री में ऐसे शूट करके ही आ गए तो मतलब जो चीजें होती है ना कि ये नहीं भी बताना चाहे वो पकड़ी जाती है तो वो सब तो ये करती है अब ये तो अब आप देखते जाइए उसके कितना डेस्प्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है आपको नहीं तो देखा है बेडरूम में दिखा दिया पहुंच गई बाथरूम तक पहुंच गई किसी भी जगह उठा के मुंह पहुंच जाती है ये और मतलब लेवल देखते हैं अभी देखते हैं आगे कहां कहां तक जाएगी चलिए देखते देखते हैं और देखते हैं और उसके घर वाले कितना करेंगे बेचारे अपनी बूढ़ी माँ को तो परेशान कर ही रही है ओबरा मॉल दोपहर में लेके गई रात तक खाना वाना खिला रही है उनका अब उनका शुगर लेवल बढ़ जाए बढ़ जाए क्या फर्क पड़ता है वो थक गई है बेचारी बार बार कह रही थी चलो तुम यहाँ से निकलो जैसे होते है ना पेरेंट्स मैं अपने पेरेंट्स को लेके जाऊंगी वो भी यही कहेंगे ऐसी जगह हमारा कोई मतलब नहीं है क्या करने जाना है छोड़ो रहने दो तो पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं उनको नहीं कंफर्टेबल होता है ये सब जगह लेके जाना बट जबरदस्ती घसीट घसीट के लेके जाना है क्योंकि होता है ना अब भीड़ चलेगी तो फिर दो दो एक बार कैमरा उसके मुंह पे डाला एक बार इसका रिएक्शन लिया दो डायलॉग इन्होंने बोले दो डायलॉग इसने बोले तो ओवरऑल मिलके के कंटेंट बन जाएगा अकेले ये और सनी कहाँ घूमते फिरेंगे और वैसे भी अकेले ये और सनी तो कहीं घूमते ही नहीं है साथ में तो इनका एडिटर चलता है बिना एडिटर के काम कैसे चलेगा सनी थोड़ी शूट करेगा सनी तो भैया अलाट साहब है उसको तो अपना घर वार मिल गया है गाड़ी मिल गई है वो बात बात और है कि आजादी नहीं मिल गई उसकी आजादी छिन गई है ये सब जैसे होता है ना कि यू कैन नॉट गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड हो तो कोई बात नहीं। खाना, पीना, सोना तो चल ही रहा है अपना रोज हलवे पूरी बनवा के खाता है हलवे रोज बनवाता है लड्डू बनवाता है अपना ब्रेड व्रेड सात आठ ब्रेड मिलती है सुबह नाश्ते में घी में तली हुई और क्या चाहिए बंदे की आश चल रही है और काम धाम कुछ करना नहीं है बस ड्राइवर गिरी करनी है ड्राइवर गिरी से तो फर्क क्या पड़ रहा है सऊदी में भी यही करता होगा आधे टाइम तो ड्राइवर बनकर घूम रहा होता है कैमरा उठाने से मना कर दिया है इसने तो चल रही है उसकी फ्रीडम जाए तो जाए अभी इसको इसको तो इतना भी अलाउड नहीं है कि मैं बैठ के अपना मैच देख सकू ये माता आ जाते है बीच में, में लैपटॉप और इसके बीच में मुंह फुला के और वैसे इसको मुँह फुलाने की जरूरत तो नहीं है मुंह तो ऑलरेडी बहुत फूला हुआ है बट और फुला लेती है थोड़ा बहुत कि और दो इंच फूल जाए तो कि मैच भी नहीं देख सकते भाई तेरे को खरीदा हुआ गुलाम है तू जो मैं कहूंगी वही करेगा तू कर नहीं सकता मेरी परमिशन के बिना कुछ भी तो चलिए गाइज इतना ही कहना था और जिसको अभी बैश करना है मुझे वो करेंगे वो आप क्यों जलती हैं सभा के नाम से आप ये कर रही हैं वो कर रही हैं आप बहुत अपना ब्लॉग बनाइए अपना शक्ल दिखाइए दिखा देंगे बेटा शक्ल भी दिखा देंगे तुम चिंता ना करो चलिए ठीक है ऑल राइट गाइज एंड इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे